हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कैबिट जी टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल। यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने एक वहाँ एक बात करी थी मॉडरेट केरीज एंड डीप केरीज के ट्रीटमेंट में कि हम वहाँ टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आज मैं उसी टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल के बारे में आपको बताने वाली हूँ ऐसा कि नेम से ही क्लियर है कि एक टेम्परेरी फिलिंग मटीरियल है मीन्स कि हम जो फिलिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है पंद्रह से बीस दिन रहेगी तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ आइए ओपन करते हैं इसका बॉक्स ये है इसकी बॉटल साथ में एक मैनुअल जो अलग अलग लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं इसको कैबिट जो है वो थ्री वेराइटीज़ में आता है कैबेट कैबिट डब्ल्यू कैबिट जी जो कैबिट है वो पिंक कलर्ड होता है कैबिट जी जो होता है वो ग्रे कलर्ड होता है और जो कैबिट डब्ल्यू होता है वो वाइट कलर्ड तो आज मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है कैबिट जी जो कि ग्रे कलर्ड है ये पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी में रहता है सबसे पहले हम इसे कॉम्पोजिशन की बात करते हैं इसमें होता है जिंक ऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट जिंक सल्फेट ग्लाइकोल एसिडेट पॉलीविनाइल एसिडेट रेजिन पॉलीविनाइल क्लोराइड एसिटेट ट्राई इथेनॉल एमाइड और साथ में कुछ पिगमेंट्स ये रेडियो ओपेक होता है मीन्स जब हम एक्सरे लेते हैं तो ये हमें एक्सरे में वाइटिश दिखता है तो ये हमारा रेडियो ओपेसिटी शो करता है ये मॉइस्चर या किसी फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है अदरवाइज इसका सेटिंग टाइम जो है वो फोर आवर्स है से हम टेम्प्रेरी फिलिंग प्री मिक्स मटीरियल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही मिक्सड है हमें कुछ नहीं करना डायरेक्टली अप्लाई करना है अब स्टार्ट करते हैं हम इंडिकेशंस कि हमें किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करना चाहिए जहाँ पर भी हमें डाउट है कैविटी के बारे में कि हमें अभी यहाँ परमानेंट फिलिंग नहीं कर सकते या हमें कुछ चेक करना है तो उस कंडीशन में हम टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल कर सकते हैं या फिर हमने आर सी टी स्टार्ट की हुई है पहला स्टेप किया हुआ है कि एस एस ओपनिंग की हुई है तो हम परमानेंट फिलिंग करके तो भेज नहीं सकते तो उस कंडीशन में भी हम टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं नेक्स्ट आता है इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ तो वही मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी से इसको बचा के रखना है ये सेट हो जाएगा और जब भी आप इसको यूज़ करें तुरंत तो उसके बाद ही उसका कैप रिप्लेस कर दें क्योंकि ये फिर सेट हो जाएगा तो फिर ही ख़राब हो जाएगा और वार्निंग इसके साथ में ये है कि यदि कभी भी पेशेंट के टच हो जाता है और वहाँ पर डर्माटाइटिस हो जाती है तो हमें वहाँ पर यूज़ नहीं करना है और तुरंत उसको रोक देना है और तुरंत उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन के लिए रिकमेंड करना है चलिए अब देखते हैं इसका प्रोसीज़र कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक टूथ है जिसमें एसेिस ओपनिंग हो रखी है तो आप सपोज़ करिए हमने किसी पेशेंट की एसेिस ओपनिंग कर रखी है फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए टू डेज बाद बुलाना है तो हम क्या करेंगे फॉर्मर क्रिसोल ड्रेसिंग डालने के बाद उसको हम कैरियर से थोड़ा सा कैबेट इस तरीके से लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पेस्ट कंसिस्टेंसी है तो इसको हम ऊपर तक फिल कर देंगे और ध्यान रहे कि हमें इसको ओवरफ्लो नहीं करना है अंडरफिल्ड भले ही हो लेकिन हमें ओवर नहीं करना है तो इसको अच्छे से इस तरीके से हम फिल कर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप आधा पौना घंटे कुछ मत लीजिएगा क्योंकि ओरल फ्लूड्स होंगे पेशेंट के मुंह में सलाइवा होगा तो उससे ये जल्दी सेट हो जाएगा तो हमें फोर आवर्स का वेट करने को भी नहीं बोलना है तो आधे पौना घंटे में ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप कुछ भी इसके बाद ले सकते हैं आधे घंटे तक आपको पानी या कुछ भी खाना पीना नहीं है जो ओरल फ्लूड्स हैं वो इसको सेट होने में हेल्प करेंगे और नेक्स्ट सिटिंग में जब पेशेंट आएंगे तो इसको हम स्केलर या फिर एरोटर से इसको रिमूव करेंगे देन अपना काम करके वापस से रिफिल कर सकते हैं आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बाय बाय टेक केयर